मध्य प्रदेश के रीवा जिले में मुख्यमंत्री के आगमन का विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ता नेता और कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष इंजीनियर दीपक सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, कांग्रेस के कार्यकर्ता किसान बिल के विरोध में निराला नगर गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके चलते पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। HBN न्यूज की खास रिपोर्ट। दीपक सिंह जी, आपको यहाँ पे किस लिए लाया गया है इस पुलिस बैन में? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं दीपक सिंह, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी रीवा। हम लोग आज शिवराज सिंह चौहान जी के रीवा आगमन पर विरोध प्रदर्शन निराला नगर वार्ड क्रमांक 9 पर कर रहे थे। हमारे लगभग 5 वहाँ पे हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, पर पुलिस के लोग वहाँ पर पहुँच कर लोगों पे डंडा बरसाया और हमारे लगभग 100 से 150-200 साथियों को भगा दिया गया। कईयों की गाड़ियाँ रोक दी गई और हमारे यहाँ पे लगभग 50 की संख्या में हम लोगों को पुलिस की बैन में बैठा कर यहाँ पे लाया गया। हमारी मांग शिवराज सिंह चौहान जी से ये थी कि जिस तरह से देश के अंदर पूरा देश किसानों के लिए उठ खड़ा हुआ है, किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के पास अंबानी जी के यहाँ मिठाई खाने का टाइम है, पर किसानों की सुख दुख लेने के टाइम नहीं है। 25 से ज्यादा किसानों की हत्याएं हो चुकी हैं, कईयों के ठंड की वजह से मृत्यु हो चुकी है। मैं यहाँ के शासन और प्रशासन और शिवराज सिंह चौहान जी को जताना चाहता हूँ कि इस तरह का किसान सम्मेलन का कोई मतलब नहीं है, जब किसान यहाँ पे हत्या कर रहे हैं। और वहीं पे शिवराज सिंह चौहान जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि मंदसौर के अंदर 3 साल पहले 7 किसानों के सीनों में गोलियां भूनने का भी काम आप ही ने किया था, जो आज आप यहाँ पे किसान सम्मेलन और अपने को किसान नेता और किसान हितैषी और किसान पुत्र बताते हैं। हमारी मांग ये भी थी कि वार्ड 16 की ये जो महिलाएं आई हुई हैं, इनका सिर्फ एक ही वो है कि ये गरीब पैदा हुई हैं। दुनिया के अंदर यदि सबसे बड़ी बीमारी है तो वो गरीबी है। आज ये पट्टे के लिए 3 पुश्ते इन्होंने गुजार दी एक जगह पर यहाँ का शासन और प्रशासन सोया हुआ है और आज भी ये लोग आवासीय पट्टे के लिए तरस रहे हैं। और चौथी मांग हमारी ये थी कि आगे आने वाले टाइम में जिस तरह से रतहरा से चुराटा रोड लगभग 17 वर्षों से बन रही है और ये तो दुधारू गाय बन चुकी है, ये रोड जो है पूरी तरह से दुधारू गाय बन चुकी है और यहाँ के मंत्री से लेकर संतरी तक सिर्फ इस रोड से पैसा बनाने की जो स्कीम चल रही है वो स्कीम हम लोग बताने शिवराज सिंह चौहान को आए थे, पर शिवराज सिंह चौहान जी को जिला प्रशासन ने उनका रूट डाइवर्ट कर दिया। पहले ढेकहा और पडरा से आने वाले थे, पर अब उनको क्या कहते हैं रतहरा, मैं आपको चुराहट्टा बाईपास से यूनिवर्सिटी बाईपास और फिर निराला नगर होते हुए TRS के NCC ग्राउंड पे गए, जिससे सच्चाई छिपाई जा सके। मेरी मीडिया के साथियों से ये मांग है कि ये बातें आप लोग यहाँ से लेकर दिल्ली तक पहुँचाने का काम करें, जिससे किसानों को न्याय मिले और वार्ड 16 के लोगों को आवासीय पट्टा और धूल गड्ढों और ट्रैफिक जाम से जो मेरा रीवा जिला त्रस्त है 17 सालों से, उससे हमारे रीवा जिले को निजात मिल सके। धन्यवाद। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।